एक बार फिर से आपका स्वागत है ओमकार मॉनिटर में। और आज हम करने वाले हैं माधरचोद उल्लू वालों की एक नई वेब सीरीज जिसका नाम है भोसड़ी। हालांकि फ्रेंड्स, इस वेब सीरीज का नाम भोसड़ी नहीं है, इसका नाम है भसौदी। और भसौदी को लोग जानते नहीं है, इसलिए भोसड़ी ये रखा गया है। और हालांकि इसे भोसड़ी नाम से जानना भी चाहिए, क्योंकि इसमें जो काम किए हैं वो गलत इस तरीके के हैं कि जिसमें भोसड़ी को भी शर्म आ जाए, इस तरीके के काम इसमें किए गए हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त न ज़ाया करते हुए शुरू करते हैं हमारे आज के उल्लू सीरीज भोसड़ी रिव्यू। सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो बल्लू सांडा से। हालांकि बल्लू सांडा इस स्टोरी का मेन विलन है, और इसमें बल्लू सांडा ने काफ़ी सारे खून किए हैं, लगभग 17 से 18 खून किए हैं उसने, और वो सज़ा काट रहा है जेल में अभी भी। और जेल में सज़ा काटते वक्त उसकी रिहाई, मतलब उसे शायद ही बाहर मिल जाता है, और बाहर आने के वक्त मीडिया से उसकी रिपोर्ट ले ली जाती है, और वहीं पर कोई एक इनलीगल शख्स उसकी हत्या कर देता है। उसके बाद बात करते हैं जफर सिद्दीकी की। जब हमने पहले ही टीजर में देखा था, एक आदमी को बांध के रखा था कुर्सी पर, तो उस पर उसको बांधने वाला कोई और नहीं था बल्कि वो था जफर सिद्दीकी। और इस स्टोरी का वो सबसे बड़ा मेन विलन है बल्लू सांडा के बाद का। उसके बाद करते हैं टोपा के बारे में। उसका नाम है टोपा चंद, बल्कि वो टोपे की तरह काम करता है। हालांकि वो टोपा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जो काम है वो बिल्कुल सही नहीं था। वो काम करता है लेकिन अपने जो ध्यान है वो काम पर बिल्कुल नहीं देता, और कुछ हंसी मजाक से काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद आती है नंदन के बारे। नंदन क्या करता है, नंदन के जो काम है वो इतना अच्छा काम है, मतलब वो हालांकि वो वर्जिन है और वो सिर्फ सेक्स वीडियोस के देखते देखता रहता है, पॉर्न वीडियो देखता रहता है, और अपनी भूख को वो भगाता रहता है, और अपने पापा का बड़ा लाडला लड़का है वो। और बात करती है आखिर में नारायण पांडे की, उर्फ पांडे की। पांडे हालांकि इस टोली का एक छोटा सा मेंबर है, तो हालांकि जफर, टोपा, नारायण और बचा हुआ हमारा नंदन, ये जो चारों है उनकी एक टोली होती है। और वो हालांकि हर किसी ने कोई ना कोई कांड तो किया होता है, किसी ने पड़ोस की लड़की के साथ सेक्स करने की कोशिश करते हुए कोई पकड़ा गया होता है, तो कोई पड़ोस की भाभी को देखकर, पड़ोस की भाभी के गलत इशारे को समझकर सेक्स, मतलब उसके सामने चला जाता है और कुछ मांग करता है सेक्स की, तब पकड़ा जाता है, तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड को, मतलब अपने स्कूल के फ्रेंड को अपने बेंच पर बिठाकर अपने पैंट का जो जेब है वो काट कर उसमें से अपना जो टॉवर है वो जेब में लाकर उससे पकड़वाया जाता है। और कोई तो, मतलब हर किसी ने इन चारों में से हर किसी ने कोई ना कोई कांड किया होता है, और इन सब कांड का मास्टरमाइंड होता है जफर सिद्दीकी। मतलब जफर सिद्दीकी इस ग्रुप का सबसे बड़ा मेंबर है, और वो हम हालांकि हर कोई छोटा छोटा काम करते हैं, मतलब कोई चोरी, लबाड़ी, और या फिर की मतलब हर कोई छोटी छोटी सोच रखता है, और जफर इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचता। जफर एक बड़ा टारगेट चाहता है, और उसने एक बड़ा टारगेट अपने तीन दोस्तों के साथ मिलकर किया है, और वो है पेट्रोल पंप को लूटना। हालांकि सीरीज वन में सिर्फ इतना ही दिखाया गया है कि उन्होंने पेट्रोल पंप किस तरीके से लूटने की कोशिश की है, मतलब पेट्रोल पंप के लोगों को उन्होंने कैद करके खुद पेट्रोल पंप वाले लोग बन चुके हैं, और वो दूसरों को पेट्रोल बांटकर खुद अपना पैसा अपनी जेब में ऐड लेते हैं। तो बस इस स्टोरी में सिर्फ इतना ही कहा गया है पार्ट वन में कि इन्होंने कुछ लूटमार की है, कुछ चोर चक्के किए हैं। और हालांकि एपिसोड वन में उन्होंने दिखाया है कि बल्लू सांडा कौन है, मतलब थोड़ा सा ही उसको उन्होंने शॉर्ट में दिखाया गया है, लेकिन बल्लू सांडा इस स्टोरी का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है जो उत्तर प्रदेश का पूरा डाउन बनना चाहता है। हालांकि उसकी स्टोरी क्या है यह हमें पार्ट टू में पता चलेगा, पार्ट वन में बस हमें इतना ही दिखाया गया है इन चारों की रहवल स्टोरी, और इन चारों ने क्या क्या कांड किए हैं, और उसके बाद बल्लू सांडा का इंट्रोडक्शन, और उन्होंने किस तरीके से पेट्रोल पंप को लूटने की कोशिश की है, ये सब कुछ हमें पार्ट वन में देखने को मिलने वाला है। अगर आपको हर चीज़ डिटेल में जाननी है और मुझे भी जाननी है, तो आपको पार्ट टू का इंतज़ार करना होगा। पार्ट टू आ रहा है 16 अक्टूबर को रात 12 बजे सिर्फ उल्लू एप्लीकेशन पर। हालांकि मुझे भी पार्ट टू देखने की काफ़ी जल्दी है, क्योंकि पार्ट वन में ही इतने सब कुछ इनलीगल काम, इतनी सारी भोसड़ी के, इतनी सारी माधरचोद जैसी गालियाँ, चूतिया, माधरचोद, मतलब हालांकि हर टाइप की गाली इन्होंने पार्ट वन में यूज़ किया है, तो पार्ट टू में कितनी सारी गंदी गंदी गालियाँ इस्तेमाल की है ये हमें देखने को मिलने वाला है भोसड़ी पार्ट टू में। पार्ट टू आने वाला है 16 अक्टूबर 2020 को, तो मुझे भी इंतज़ार रहेगा और आपको भी इंतज़ार रहेगा। अगर आपको पार्ट टू का भी रिव्यू देखना है तो प्लीज़ ओमकार मॉनिटर को सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आपको मिलूंगा 16 अक्टूबर के बाद एक और भोसड़ी की रिव्यू वाली वीडियो में। सो बाय बाय फ्रेंड्स।